नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग मैथमेटिकल ट्रिक्स की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट मैथमेटिकल ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज की शुरुआत हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ। हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी नंबर को, वो चाहे कितने भी डिजिट का हो, उसको हम लोग किस प्रकार से सेकेंड्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे बेस मेथड से, यानी हम लोग सबसे पहले सीखेंगे बेस मेथड। हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेस मेथड के थ्रू किसी भी नंबर को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, वो भी बेस मेथड के थ्रू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको बेस पहचानना होगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपको बेस पहचानना होगा, आपको देखना होगा कि भैया बेस है कितना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास दो डिजिट हैं। ठीक है, दो डिजिट हैं और दोनों का बेस अगर आप देखो तो दोनों का बेस है 10। तो सबसे पहले आपको बेस पहचान लेना है, क्लियर है? अच्छा, फिर आपको देखना है कि ये जो दोनों डिजिट हैं ये अपने बेस से कितने कम हैं। फिर से सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बेस आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, अच्छा, बेस आइडेंटिफाई करने के बाद आपको देखना है कि ये जो दोनों डिजिट हैं अपने बेस से कितने कम है, अपने बेस से कितने कम है। ठीक है, तो देखिए 9 जो है ये आपका 10 से कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ पे आपको -1 लिख देना है। 8 कितना कम है, तो आपको पता है कि भैया 8 जो है 10 से 2 कम है, 2 लिख देना है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या करना है आपको, फिर आपको क्रॉस में माइनस करना है। समझिएगा ध्यान से, क्रॉस में माइनस करना है। ठीक है, अब क्रॉस में माइनस करने का मतलब क्या है, तो भैया सिंपल 9 में से 2 घटा दो। ठीक है, 9 में से 2 घटा दो या 8 में से 1 घटा दो, सिंपल। तो कितना आएगा, तो ऑब्वियस है कि 7 आएगा। ठीक है, बेस पहचानो, क्रॉस में घटा दो, बेस पहचानो, क्रॉस में घटा दो। बेस हमने देख लिया कि भैया बेस तो 10 है, क्रॉस में घटा दिया हमने, तो 9 में से 2 गया 7, कैसे भी घटाओ आप 8 में से 1 भी घटाओगे तो 7 आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर क्या करना है, फिर आपको वर्टिकली, ठीक है, फिर आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है। वर्टिकली क्या कर देना है, तो वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये 3 स्टेप समझो हो गया का। ठीक है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी आपका रिजल्ट कितना आ गया, तो 72। फिर से आपका रिजल्ट आ गया 72। तो बस ये 3 स्टेप्स ध्यान में रखो, आप कोई भी नंबर को सेकेंड्स में, वो चाहे कितने भी डिजिट का हो, वो आप सेकेंड्स में कर सकते हो। फिर से बेस पहचानो, ठीक है, क्रॉस में माइनस करो, वर्टिकली गुना करो, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, बेस पहचाना हमने, कितना कम है वो देखा, फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्रॉस में घटाया और वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा रिजल्ट मिल गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, सिंगल डिजिट पे, तो देखिए 8 और 7 है, तो पहचानिए कि भैया 8 और 7 का बेस क्या है, तो आपको पता है कि दोनों का बेस कितना है, 10 से, दोनों का बेस कितना है, 10 से। ठीक है, कितना कम है बेस से, तो देख लो ये 2 कम है और ये 3 कम है, क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे, सिंपली घटा दो, 8 में से 3 घटा दो या 7 में से 2 घटा दो, कितना आएगा, 5 आएगा, फिर इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, रिजल्ट आ गया 56, काम खत्म, है कि नहीं? तो बस सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, बेस पहचानो, लिख दो कितना कम है, ठीक है, कितना कम है, क्रॉस में क्या करोगे, घटाओगे, और वर्टिकली क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 7 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, बेस कितना है, एकदम क्लियर है कि भैया बेस तो है 10, कितना कम है 10 से, तो 3 कम है, ये बेस से कितना कम है, 4 कम है, क्या करोगे, क्या करोगे भैया, क्रॉस में घटाओगे, घटाओगे तो कितना आ गया, 3 आ गया, है ना, आप कैसे भी घटाओ, 7 में से 4 घटाओ या 6 में से 3 घटाओ, घटाओगे तो ऑब्वियस है कि भैया आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्रॉस में घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10th डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, 10th डिजिट, तो 7 में से 4 घटाओ या 6 में से 3 घटाओ, आपको 3 मिलेगा। फिर क्या करते हो आप, फिर वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हो और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12। अब कुछ नहीं करना है, ये जो कैरी है ना, ये कैरी इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, यानी 3 और 1 कितना हो गया, 4, यानी रिजल्ट कितना आ गया, तो 42, रिजल्ट कितना आ गया, 42। फिर से वही काम करना है, बेस पहचाना हमने, फिर देखा कि भैया कितना कम है, कितना कम है, उसके बाद क्या करना है, क्रॉस में घटा देना है, घटा दिया हमने। ठीक है, आप कैसे भी घटाओ, आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला। फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे,
तो आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है, 12 मिलेगा, एक कैरी हो जाएगा, सिंपली ऐड कर देना है, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सिंगल डिजिट के थ्रू बेस मेथड का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये आपको खुद से करना है, लेकिन बेस मेथड के थ्रू करिएगा। चलिए अब बात करते हैं टू डिजिट के बारे में। ठीक है, यानी टू डिजिट का मल्टीप्लीकेशन बेस मेथड के थ्रू किस प्रकार से करा जाता है ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि भैया बेस पहचानना है, और हमको पता है देखने से भी आप बता सकते हो कि भैया इन दोनों का बेस कितना है, 100 है, बेस लिख दो 100, काम खत्म, एक स्टेप क्लियर। चलिए सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में देखना है कि कितना कम है, तो ये भैया एक कम है तो यहाँ पे 01 लिख दो। ठीक है, ये कितना कम है, तीन कम है तो 03 लिख दो। फिर क्या करते हो सिंपली घटाते हो। ठीक है, क्रॉस में घटाते हो, घटा दो, 99 में से तीन जाएगा तो कितना आएगा, 96 आएगा, या 97 में से 1 जाएगा तो 96 आएगा, यहां पे लिख दो 96। फिर क्या करते हो, वर्टिकली क्रॉस करते हो कि नहीं, क्रॉस कर दो। ठीक है, वर्टिकली क्रॉस कर दो यानी सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां पे क्रॉस कहने का मेरा मतलब यह है कि मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1 को और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 03 आ गया, है ना, यानी ये आपका रिजल्ट आ गया, यानी 9603, फिर से 9603। ठीक है, चलिए उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। बेस पहचाना हमने, देखा कि कितना कम है, कितना कम है, फिर क्या किया हमने, तो फिर हमने क्रॉस में घटाया, तो कितना मिल गया, 96 मिल गया। फिर वर्टिकली हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारा रिजल्ट मिल गया 9603। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। चलिए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, दैट इज 96 into 98 क्या करना है आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बेस पहचानना होगा। तो देख लो, आप बता सकते हो देख के कि भैया इसका बेस कितना है, 100 है, बेस 100 है। फिर देखो कि कितना कम है, तो आपको पता है कि ये जो है 4 कम है 100 से, ये कितना कम है तो 2 कम है। ठीक है ना, अच्छा फिर क्या करोगे तो सिंपली क्रॉस में माइनस करो, तो 96 में से 2 जाएगा तो 94 आएगा, आप 98 में से भी 4 घटाओगे तो 94 ही मिलेगा। फिर वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, तो 08 आ गया, यानी इस प्रकार से ये आपका रिजल्ट आ गया, यानी 9408। चलिए फिर से एक बार, सबसे पहले बेस पहचाना हमने, फिर देखा कि भैया कितना कम है, क्रॉस में किया क्या हमने, क्रॉस में किया माइनस, फिर हमने वर्टिकली कर दिया मल्टीप्लाई, और इस प्रकार से आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये हमारे पास नंबर है, ठीक है, टू डिजिट के दो नंबर है। सबसे पहले बेस आइडेंटिफाई करो, तो ऑब्वियस है कि भैया बेस 100 होगा, है कि नहीं, बेस कितना होगा, 100 होगा। फिर देखो कितना कम है, तो ऑब्वियस है कि भैया ये 11 कम है, और ये कितना कम है, 12 कम है, क्लियर है एकदम। अच्छा फिर क्या करोगे तो क्रॉस में घटाओगे, है कि नहीं, क्रॉस में घटाओगे तो घटा लो, क्रॉस में घटाओगे तो कितना मिलेगा, 77 मिलेगा। फिर क्या करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, यानी वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, आप खुद देखो, 11 को और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 132, 132 मिलेगा। कैसे मिलेगा ये भी थोड़ा देख लो। तो सबसे पहले 11 को आप 10 से कर लो, 11 को 10 से करोगे तो 110, फिर 11 को 2 से कर लो, तो 11 को 2 से करोगे तो मिल जाएगा 22, दोनों को ऐड कर लो तो कितना मिल जाएगा, 132, 132, 132। ठीक है, सपोज एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज हमको 15 को और 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 15 को 10 से करोगे तो कितना, 150, फिर 15 को 2 से कर लो, तो 15 को 2 से करोगे तो कितना, 30, सिंपली ऐड कर दो, यानी कितना आ गया, 180। ठीक है, कितना आ गया, 180। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस तरह का मल्टीप्लीकेशन भी आइडिया लग गया होगा। ठीक है, वैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है, टू डिजिट का, थ्री डिजिट का, फोर डिजिट का, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेज के थ्रू सीखेंगे। चलिए अभी हम लोग फोकस करते हैं बेस मेथड पे। चलिए तो यहाँ पे हमने बेस आइडेंटिफाई किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने भैया क्रॉस में माइनस किया। ठीक है, क्रॉस में माइनस किया तो हमको कितना मिल गया, 77। फिर हमने वर्टिकली क्या किया भैया, हमने वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वर्टिकली हमने मल्टीप्लाई कर दिया, चलो तो मल्टीप्लाई किया तो हमको कितना मिल गया, 132। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो 1 है ना, ये 1 कैरी की तरह बिहेव करेगा, और 1 आपको ऐड कर देना है, 1 क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट आ गया 7832। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर हर बार आपको ऐसे करना है। ठीक है, देखो कि भैया बेस कितना है, फिर देखो कि कितना कम है, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद
पता है कि क्रॉस में घटाओगे तो 77, फिर क्या करोगे, फिर वर्टिकली आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, वर्टिकली आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करोगे तो 132 सिंपली ऐड कर दोगे तो आ गया कितना 7832, आ गया कितना 7832, ठीक है। तो उम्मीद है आपको टू डिजिट का मल्टीप्लीकेशन बेस मेथड के थ्रू कैसे करा जाता है आइडिया लग गया होगा। चलिए अब बात करते हैं थ्री डिजिट का, ठीक है, कि थ्री डिजिट को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको कि अभी हम लोग बिलो द बेस डिस्कस कर रहे हैं, बेस मेथड डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बिलो द बेस, अगले क्लास में हम लोग अबव द बेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, हमको मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, 998 को और 997 को, यानी 998 और 997 को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या रूल, पहचानो बेस, कितना है बेस, तो भैया 1000, ठीक है। देखो बेस का मतलब क्या होता है, किसके करीब है, ऐसे समझो कि बेस का मतलब किसके करीब है। चलो 1000 के करीब है, यानी बेस कितना, 1। फिर देखो क्या, देखो भैया कि कितना कम है बेस से, तो भैया ये तो 2 कम है, तो यहाँ पे लिख दो 002। ये कितना कम है, तो 3 कम है, तो लिख दो 003। क्लियर एकदम, यहां तक एकदम क्लियर ना, कि भैया बेस पहचानो, कितना कम है वो लिख दो, फिर क्या करो क्रॉस में माइनस करो, तो माइनस करो 998 में से 3 घटाओगे तो ऑब्वियस है कि 995 आएगा। आप कैसे भी क्रॉस करो, ऐसे क्रॉस करो या इस प्रकार से क्रॉस करो, आपको सेम मिलने वाला, क्लियर है। अच्छा, फिर वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 0006, नॉट 0006, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका रिजल्ट आ गया, यानी क्या आ गया, तो 995006, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर, सेम कॉन्सेप्ट, क्या करोगे, बेस पहचानोगे, ठीक है, बेस पहचानो, ठीक है। फिर क्या करो, फिर देखो कितना कम है, फिर क्रॉस में माइनस करो और वर्टिकली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वर्टिकली आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद आपको यह भी समझ आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, हमारे पास एक नंबर है, कितना नंबर है भैया, तो 123 को गुना करना है 999 से, 123 को गुना करना है 999 से, ठीक है। चलिए करते हैं, तो दोनों का बेस देख लो पहले, ठीक है, बेस पता है आपको कितना है बेस, तो भैया 1000 बेस है, 1000 बेस है ना, बेस कितना है 1000 है। फिर देखो कि कितना कम है बेस से अपने, है ना, बेस हमारा कितना है, तो 1000 है। फिर देखना है कि भैया बेस से कितना कम है, तो ऑब्वियस है कि भैया 123 जो है ये 877 कम है 1000 से, ठीक है। अच्छा, फिर 999 कितना कम है 1000 से, तो ये तो 1 कम है, ठीक है, यहां तक क्लियर ना, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है, क्रॉस में माइनस, तो 123 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 122, ठीक है, 122 आप ऐसे भी घटा सकते हो, यानी 999 में से 897 भी घटा सकते हो, ठीक है, आपको जैसे सही लगे वैसे आप घटाओ, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो क्या किया हमने, घटा दिया 123 में से, क्या कर दिया, एक घटा घटा दिया, या आप 999 में से 877 घटाओ, आपको वही मिलेगा 122। फिर क्या करना है, फिर आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, एकदम क्लियर है ना यहां तक, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यह भी समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर से एक बार शॉर्ट में, तो सबसे पहले पहचानो कि बेस कितना है, फिर देखो कि भैया बेस से कितना कम है, फिर क्रॉस में माइनस करो, फिर वर्टिकली मल्टीप्लाई करो। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब लेते हैं फोर डिजिट का। थ्री डिजिट का काम खत्म, सिंगल डिजिट हमने देखा, टू डिजिट का हमने देख लिया, थ्री डिजिट का हमने देख लिया, अब आते हैं फोर डिजिट पे, ठीक है, लेकिन बिलो द बेस, ठीक है, याद रखिएगा बिलो द बेस, और अगले क्लास में अबव द बेस डिस्कस करेंगे। चलिए यहां पे देखिए, सबसे पहले बेस पहचानिए, तो यहां पे क्लियर कट है कि भैया बेस जो है ये 10000 है, 10000 बेस है, बेस कितना है, तो 10000 है, ठीक है। तो क्या करना है भैया, तो सबसे पहले देखना है कि ये दोनों जो नंबर हैं ये 10000 से कितने कम है, यानी अपने बेस से कितना कम है, तो आप बता सकते हो कि ये जो नंबर है अपने बेस से 8766 कम है कि नहीं, और ये जो नंबर है अपने बेस से 1 कम है, ठीक है ना। फिर क्या करते हो, क्रॉस में माइनस करते हो, क्रॉस किया हमने माइनस आ गया, फिर हमने वर्टिकली क्या कर दिया, वर्टिकली हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखिए फिर से यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्रॉस में करना है माइनस और वर्टिकली करना है
इनटू, ठीक है। बस ये दो स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो हमने देखा भैया कि भैया इसका बेस तो 10,000 है, फिर देखा कि भैया ये कितना कम है तो वो हमने लिख दिया, फिर हमने क्रॉस में माइनस किया, क्रॉस में माइनस किया, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और आपको पता है कि किसी भी चीज को अगर आप एक से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपको मिल जाएगा, है ना, वही मिल जाएगा, ठीक है। जब वही मिल जाएगा तो सिंपल आपको आपका रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात कि भैया बेस मेथड की, ठीक है, और बिलो द बेस की बात हो गई, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग अबव द बेस मेथड डिस्कस करेंगे।